हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हमने लास्ट वीक अपना पेड सीरीज का फर्स्ट वीडियो डाला था, जहां हमने एबीसी का स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया था। वो वाला वीडियो अभी टेक डाउन है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग बैक द वीडियो, बट ऑनेस्टली दैट कॉपीराइट टेक डाउन वाज अ फॉल्स कॉपीराइट टेक डाउन। ना हमने कोर्स का एक सेकेंड का भी वीडियो और ऑडियो यूज किया है, ना ही उनकी स्ट्रेटजी जरा से भी रिवील किया है उस वीडियो में। हमने वीडियो फेयर यूज का सारे गाइडलाइंस फॉलो करके ही बनाया था, सो नेचुरली वीडियो आ जाना चाहिए अगर सब सही रहा तो। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है उस वीडियो के लिए लोगों को, बट मैं उन क्वेश्चंस को फ्यूचर वीडियोस में जवाब देना चाहूंगा। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग यू एन ऑसम स्ट्रेटजी विच इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ इफ यू लाइक द स्ट्रेटजी और नॉट। इसका फॉलोअप वीडियो भी बनाऊंगा, जहां हम इसको 100 टाइम्स प्रैक्टिस भी करेंगे और इसका विन रेट आपको बताएंगे। ऑल्सो हमारा लास्ट वीडियो टेक डाउन हुआ है, तो आपको ये नहीं पता होगा, फाइनली हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो प्लीज इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं। सो इन टूडेज वीडियो We will be testing a trading setup. इसमें हम 3 profitable indicators, that is super trend plus DMI plus 200 EMA, the combination वाला एक strategy देखेंगे। Super trend खुद में एक profitable indicator है। आपको ये ट्रेंड का डायरेक्शन, स्टॉप लॉस, एंट्री सिग्नल, ये सब कुछ देता है। एक वीडियो आपको सजेस्ट हो रहा होगा, हमने सुपर ट्रेंड्स को 100 टाइम बैक टेस्ट किया था। आप उस वीडियो को इसके बाद देख सकते हो। डीएमआई इंडिकेटर भी हमने अपने चैनल में टेस्ट किया है, ये आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ, एंट्री सिग्नल्स भी देता है। इसका भी आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा, ये भी काफी प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। इसका वीडियो भी आप ये वीडियो के बाद देख सकते हो। और लास्ट में हमारा फेवरेट 200 EMA, ये तो हमने बहुत सारे वीडियो में यूज किया है। ये हमको ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है और फेक सिग्नल्स को फिल्टर करता है। सो तीनों इंडिकेटर अकेले ही बहुत प्रॉफिटेबल है, तो सोचिए अगर तीनों को एक साथ यूज किया तो स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिटेबल होगा। वेल, ये हमेशा सच नहीं होता। मल्टीपल इंडिकेटर यूज करके आपका विन रेट कम भी होता है। मैं भी जब नया ट्रेडर था तब दुनिया भर के इंडिकेटर डालता था, सोचता था अगर सबने बाय बोला तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऑब्वियसली तब मेरे को ये नहीं समझता था कि मार्केट इंडिकेटर को चलाता है, इंडिकेटर मार्केट को नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिकेटर काम नहीं करते। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स या ट्रेडर्स को बोलते हुए सुना होगा कि इंडिकेटर काम नहीं करते और प्राइस एक्शन इज द किंग। ऑब्वियसली वो सच नहीं है। आप सिर्फ प्राइस एक्शन को भी यूज करोगे तो पैसा गवाओगे ही। आपको स्मार्ट वर्क तो दोनों में करना है, अगर नहीं किया तो पैसा आप ऑब्वियसली गवाओगे। वैसे ही इंडिकेटर भी काम करते हैं और बहुत लोग इंडिकेटर को यूज करके पैसा भी कमाते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस स्ट्रेटजी वर्क्स एंड सी फ्यू एग्जांपल्स ऑन इट। सॉरी इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, बट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स प्लॉट द इंडिकेटर टू द चार्ट। फर्स्ट लेट्स ऐड सुपर ट्रेंड। सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रहेगा। फिर हम डीएमआई इंडिकेटर भी ऐड करते हैं। इसका सेटिंग्स में हम एडीएक्स को अनटिक करते हैं, पॉजिटिव डीआई को ग्रीन करते हैं और नेगेटिव डीआई को रेड करते हैं। बाकी सब सेम ही रखते हैं। फिर लास्ट में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करते हैं। सेटिंग्स में पीरियड को 200 करते हैं और लाइन के कलर को वाइट करते हैं। कलर आपका चॉइस है। सो दिस इज आवर सेटअप। और हम टाइम फ्रेम फिलहाल 15 मिनट्स रखते हैं। हम बैक टेस्ट भी पहले 15 मिनट्स ही करने वाले हैं। सो लेट्स सी द बाय क्राइटेरिया। फर्स्ट, क्लोज प्राइस शुड बी अबव 200 EMA। सेकंड क्राइटेरिया इज सुपर ट्रेंड शुड बी ग्रीन। नेक्स्ट कंडीशन इज एंट्री विल बी व्हेन पॉजिटिव डीआई क्रॉसेस नेगेटिव डीआई फ्रॉम बिलो। दैट इज ये जो ग्रीन लाइन है वो ये रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। एंड द कैंडल फॉर्म शुड बी अ ग्रीन कैंडल। If the formed candle is not a green candle, then we will wait for the next green candle to form and then take the entry. So entry will be above the eye of the green candle, stop loss will be below the super trend line and the target will be 1.5 times the risk. So that's our buy setup. Similarly, let's see the sell setup. First, close price should be below 200 EMA. Second criteria is that the super trend should be red. Entry will be when negative DI crosses
पॉजिटिव है फ्रॉम बिलो, दैट इज ये जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, एंड द कैंडल फॉर्म शुड बी अ रेड कैंडल, द कैंडल इज नॉट रेड, वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल टू फॉर्म एंड देन टेक द एंट्री, सो एंट्री विल बी बिलो द लो ऑफ द रेड कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी अबव द सुपर ट्रेंड लाइन एंड द टारगेट विल बी 1.5 टाइम्स द रिस्क, सो दैट्स अवर सेल सेटअप। सो अगर सेटअप क्लियर है तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी फिलहाल आपको सामने रिलायंस का चार्ट दिख रहा होगा, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में है, तो कुछ एंट्रीज दिखते हैं, ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक एंट्री सिग्नल मिलता है, प्राइस ऑलरेडी 200 EMA के ऊपर है, सुपर ट्रेंड ग्रीन है और यहाँ पर आपको DMI ने भी सिग्नल दे दिया है, तो हम यहाँ हाई के ऊपर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस अराउंड सुपर ट्रेंड के लाइन के नीचे हल्का सा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, और ये था विन। ऐसे ही आगे देखते हैं और कहाँ मिलता है अपने को ऐसा एंट्री सिग्नल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने को कुछ एंट्री नहीं है, यहाँ पर जस्ट वो ग्रीन हुआ है, फिर जाके अपने को एंट्री मिला, यहाँ पर वो फर्स्ट कैंडल ग्रीन था, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, इधर भी स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के जीरो से नीचे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, और ये भी विन था। और एग्जांपल्स देखते हैं, वैसे ही यहाँ भी देखिए यहाँ पर तो ये 200 DMA के ऊपर है प्राइस, सुपर ट्रेंड ग्रीन है और यहाँ पर DMI ने भी अपने को बाय सिग्नल दे दिया है, शुड बाय अबव द हाई ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो द सुपर ट्रेंड लाइन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, ये भी विन था अपने लिए। वैसे ही और एग्जांपल्स दिखते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी 200 DMA के ऊपर है, प्राइस इज अबाउट 200 DMA, सुपर ट्रेंड ग्रीन है और DMI ने भी अपने को बाय सिग्नल दे दिया है, पर हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो द सुपर ट्रेंड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, ये ट्रेड भी विन था। वैसे ही और एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ देखिए, प्राइस इज अबाउट 200 EMA, यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है और यहाँ पर आपने आपको DMI ने भी बाय सिग्नल दे दिया है, आप यहाँ ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय एंट्री डाल देंगे, स्टॉप लॉस बिलो द सुपर ट्रेंड, रिस्क फॉर रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो हमारा अब तक का पहला स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो वैसे भी पार्ट ऑफ द गेम है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए वैसे ही थोड़े सेल के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। अभी हम IOC का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो कोई एंट्री मिलती है देखते हैं, या इधर देखिए, इधर एक एंट्री से मिली है अपने को, प्राइस बिलो 200 DMA है, सुपर ट्रेंड रेड है और यहाँ पर DMI ने भी एक अपने को एंट्री सिग्नल दे दिया है, बट यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो ग्रीन है, राइट। सो हम इस कैंडल पर एंट्री नहीं लेंगे, वी विल वेट फॉर अ रेड कैंडल, सो नेक्स्ट कैंडल इज अ रेड कैंडल, सो अपन इसके लो पे अपन एक सेल ऑर्डर डाल देंगे, स्टॉप लॉस वुड बी अबाउ द सुपर ट्रेंड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, सो ये ट्रेड सक्सेसफुल था। वैसे ही और थोड़े एंट्रीज देखते हैं, यहाँ पर एक और बार इसे ट्रिगर किया, अगर आप यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो तो एक और बार ये एंट्री सिग्नल देता है, यहाँ पर आपका प्राइस बिलो 200 EMA है, सुपर ट्रेंड रेड है और यहाँ पर आपको DMI ने वापस सेल एंट्री दे दिया है, सो आप एक सेल ऑर्डर अपना ये प्राइस के ये वाले कैंडल के लो के नीचे डाल दोगे, स्टॉप लॉस अबाउ द सुपर ट्रेंड और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5, सो ये वाला भी सक्सेसफुल था। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्राइस नीचे है, जिसे DMI ने भी वापस एंट्री दे दिया है, इस कैंडल के लो पे हम सेल एंट्री डाल देंगे, स्टॉप लॉस अबाउ द सुपर ट्रेंड लाइन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5,
होपफुली आपको समझ रहा होगा, मैं जानबूझ के एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर, अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्राइस बिलो 200 EMA में है, सुपर ट्रेंड रेड है, यहाँ पर आपको एक सेल एंट्री मिलता है। कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल, वी विल वेट फॉर द रेड कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनता है। सो इसके लो पे अपन एक सेल ऑर्डर डाल देंगे, स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5। बट ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? हम सब ये जानते ही है। सो आई थिंक द स्ट्रेटजी इज क्लियर। आप ये स्ट्रेटजी को भी बैक टेस्ट करके देखिए और ज़रूर बताइए हमें कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द बैक टेस्टिंग वीडियो ऑफ द स्ट्रेटजी। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ कमेंट में आपका फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी ज़रूर बताइए। आप अपनी स्ट्रेटजीज रिक्वेस्ट शीट में भी डाल सकते हो। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और दूसरे स्ट्रेटजीज के वीडियोस भी देख सकते हैं। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।